इसे देसी घी में निकाल रहे हैं, देसी घी में लगा रहे हैं। हमारे से तो जो सरकार पूछती है ना फंड कहाँ से आता है, जो फंड हमारे यहाँ ऊपर परमेश्वर हमारा हमारे लिए आता ऑटोमेटिक आता रहता है। बाढ़ आई बिहार में हम लोग खुद गए थे पटना साहब, तो हम वहाँ जाके भी हमने लंगर चलाया, दो टाइम लेके जाते थे बना के पका के। हाँ जी, और सरकार हमें फिर क्या, उस टाइम तो नहीं हमसे पूछा था भी फंड तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं, उस टाइम तो हमारी वाह वाह करते हैं। और अगर अब आज हमारे यहाँ किसानों को मुसीबत पड़ी है, किसान हमारे भाई ही आए हैं, अगर आज हम लंगर लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं फंड कहाँ से आ रहे हैं। कभी कहते हैं पता ही पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, तरह तरह के हमारे पे आरोप लगाते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में, और मैं फलक इरफान इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा पंडाल है जो कि पिछले 4 महीनों से लगातार यहाँ पर जो है लंगर की सेवा चल रही है। और ये सेवा संत बाबा नरेंद्र सिंह जी की, संत बाबा बलविंदर सिंह जी की ओर से जो है वो चल रही है, यहाँ आने वाले किसान आंदोलनकारियों के लिए, यहाँ आने वाली संगत के लिए। तो काफ़ी बड़ा पंडाल है ये, और धीरे धीरे अब जो है ये काफ़ी हाईटेक भी हो चला है, तो सोचा कि आप लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाऊँ। पहले तो आप इस पंडाल का जो है ज़रा एक रुख देखिए, कितना बड़ा जो है ये स्पेस जो है यहाँ पर बनाया गया है। ये तिरपालों में जो आप देख रहे हैं, ये वो ट्रक्स खड़े हुए हैं जिस पर किसान यहाँ आए थे, उन्हें अब जो है तारपीनों से, तिरपालों से जो है ढक कर उसी के आसपास की जगह जो है यहाँ पर ये किसानों ने जो है यहाँ पर ले ली है। और आप देख सकते हैं लंगर की जो है पूरी व्यवस्था यहाँ चल रही है। जी हाँ, गाज़ीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन, यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ जो इस आंदोलन को जीवित रखती है वो है यहाँ के लंगर। और लंगर सेवा ऐसी होती है कि भले ही 1,000 लोग हो या फिर 100 लोग हो, लेकिन लंगर सेवा हमेशा जारी रहती है। तो ये वो बाबा जी हैं जो यहाँ के कर्ता धरता हैं, थोड़ी देर में इनसे भी जो है बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर लंगर की व्यवस्था दिखा देती हूँ। और सुबह का समय है तो ऐसे में अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है सब्जियाँ काटी जा रही हैं। और आज जो दिन का जो लंगर सेवा यहाँ पर जो जारी होगी उसकी तैयारियाँ सुबह सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। यहाँ जो किसान हैं दिन भर मेहनत करते हैं, यहाँ लंगर में अपनी सेवा देते हैं, फिर स्टेज पर जाते हैं, आस पड़ोस में यहाँ हर जगह सेवा चलती है। तो यहाँ सत श्री अकाल सरदार जी, क्या बन रहा है आज लंगर में? आज लंगर में जो मिक्स वाली सब्जी बन रही है। आप जो हैं डेली इसी तरह से सब्जियां जो हैं सुबह आप लोग काटने बैठ जाते हैं? सुबह बनानी शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा, और रोज सेम बनता है या कुछ अलग अलग? अलग अलग बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जैसे देखिए कितनी ढेर सारी राशन है, और ये किसानों का ही राशन है। जी हाँ, खबरों में जैसे आप सुन रहे होंगे कि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, कि क्या किसानों के पास राशन कम हो रहा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कितना सारा राशन जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इधर ये भाई साहब जो है, ये रोटी की मशीन जो कि हमने इस आंदोलन में देखी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो हमने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। ये आटा गूंद रहा है क्या भैया? डेली आप ये मशीन चलाते हैं? जी जी जी। कितना इसमें किलो आटा जो है गूंथते हैं? एक बार में करीबन 20-25 किलो। अच्छा। और दिन भर में कितना हो जाता होगा? ऐसा है ना, सुबह आज 4 बजे से चल रही है, वैसे हम लोग सुबह 5-6 बजे चलाते हैं, आज 4 बजे से चल रही है, 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक चलती है। रोड ब्लॉक कर रखे हैं ना, आज पूरा भारत बंद है, इस चक्कर में पब्लिक थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो सुबह से 4 बजे से चल रही है आज। आपको मैं बता दूं कि आज 26 मार्च है, किसानों का भारत बंद का आह्वान है। ऐसे में जगह जगह पर जहां पर किसान हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने जो है वहां पर जो है भारत बंद जो है उसको रोकने का जो है आह्वान किया है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी जो है मशीन है, ये देखिए आटा गूंद कर रेडी हो गया है, और अब इसको जो है ये इस मशीन में अब यहाँ डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने प्रोसेस होते हैं भैया इसके? जी कितने तरीकों से ये बन के निकलती है रोटी?
ऐसा है ना, ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें सिर्फ आटा गूंद के डालना है। अच्छा। जैसे कई मशीनों में 3-4 लोग लगते हैं, इसमें 2 ही लोग लगते हैं, एक आटा गूंद के डालने वाला और एक रोटियों को चुपड़ने के लिए। अच्छा। बस ये घंटे में 5000 रोटी बनाती है। अच्छा। तो अभी आप दिन भर आज चलाएंगे? जी जी, मुझे 4 महीने हो गए जब से आंदोलन चालू हो रहा है, मैं यही चला रहा हूँ। में ऐसी भी कुछ खबरें आई थी कि कुछ दिनों के लिए जो है रोटी की मशीन बंद कर दी गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेटे का भी बर्थडे हमने यही मनाया था, बेटी का भी बर्थडे हमने यही मनाया है। मैं जब से घर आ गया हूँ वापस नहीं गया। कब से आए हुए आप? मैं जिस दिन से ये आंदोलन चालू हुआ उसी दिन से आ गए हम लगातार, यही लगातार। तो आप देख सकते हैं कि दिन और महीने गिनती सब खत्म कर दी, मतलब सोचना खत्म कर दिया कि कितने दिन हो गए या महीने हो गए, अब तो वो एक रिटेली रूटीन वाला काम हो गया। 4 महीने हो गए हैं लगातार ये भाई साहब यहाँ जो है बने हुए हैं। देख सकते हैं हम कितनी जो है कलाकारी से यहाँ पर जो है ये रोटी के जो पेड़े हैं वो बनकर निकल रहे हैं। फिर उसके आगे आएंगे तो ये देखिए, ये अब उन्हें जो है चपाती की जो है एक शेप दे दी गई है और मशीन का ही सारा ऑटोमेटिक जो है ये तरीका है। इस आंदोलन में जो है हमने ये तरीका देखा तो, और सोचिए मतलब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें शायद हमने कभी देखी होंगी जो यहाँ इस आंदोलन में देखी। हालांकि पंजाब आप जाएंगे तो वहाँ हर लंगर में आपको जो है ऐसी मशीनें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि पंजाब में हर जगह जो है लंगर सेवा चलती है। जहाँ भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर ये लंगर सेवा हमेशा जो है जारी रहती है और ऐसी एंटीक मशीनें आपको वहाँ ज़रूर देखने को मिलेंगी। ये अब आपने देखा कि किस तरह से अंदर जो है आग में सिकाई होते हुए रोटी यहाँ आ रही है, और यहाँ एक और सेवादार जो है वो यहाँ मौजूद है हमारे साथ। आप यहाँ पर कब से आए हुए हैं? मैं यहाँ पर 3 महीने से हूँ। अच्छा, लगातार हैं आप यहाँ? हाँ जी लगातार। आप यहाँ पर एक सेवादार के तौर पर आए हैं? हाँ जी, मैं एक सेवादार के तौर पर ही आया हूँ। आज जैसे भारत बंद का आह्वान है, आज काफ़ी यहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा होगी, तो दिन भर ये चलानी पड़ेगी फिर आपको? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो दिन भर ही चलानी पड़ेगी ये। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ ये सेवा का क्या जज्बा है कि आप लोग हर वक्त बस सेवा ही करते रहते हैं, इतना मतलब आपके अंदर क्या जज्बा है? बस जज्बा ही ऐसा ही है कि उसकी उनकी हम सेवा करने में बिल्कुल डटे हुए हैं। हाँ, और उनकी कृपा है पूरी, हमें फल भी मिलता है इसका, हमें अपने का सारे वर्क में सारा मतलब की मदद मिलती है। तो आपने देखा कि यहाँ मैं आपको एक बार पूरा जो है दिखा दूँ इस लंगर का जो है एक नज़ारा, कि ये देखिए यहाँ पर क्या जवान क्या बुज़ुर्ग हर कोई जो है अपनी सेवा यहाँ पर दे रहा है। ये आप देख सकते हैं ये चावल जो है ये रेडी होकर यहाँ पर रखे हुए हैं, काफ़ी सारे डिशेस जो है बन रही हैं, क्योंकि आज यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ आने का जो है अनुमान है। क्या बन रहा है बाबू जी यहाँ पर? बाबा जी ये दाल है, लौकी है। अच्छा। हाँ जी, और उधर टमाटर हैं। अच्छा। आलू हैं, काफ़ी कुछ बना हैं। काफ़ी कुछ बना रहे हैं, पनीर वगैरह भी बनाते हैं। हाँ जी, तो ये कितने बजे तक रेडी हो जाएगा? बस तैयार हो गया आप जी? हाँ जी, सुबह के लगे हुए, अब तैयार हो गया। ये आप कितने बजे से जो है लंगर सेवा से यहाँ पर जो है देना शुरू करेंगे? जब से शुरू है यहाँ पर धरना तब से लगे पड़े हैं यहाँ। हाँ जी, 80 साल की उम्र है हमारी। हाँ जी, देख सकते हैं 80 साल की उम्र है और इनका जज्बा, इनकी हिम्मत देखिए, ये यहाँ पर जो है अभी भी सेवा दे रहे हैं। क्या कहेंगे जी? आज तो ऐसा है ना जी, वो उधर चक्का जाम की वजह से, बंद की वजह से सब उधर लगे हुए हैं किसान। लंगर तो इस टाइम चालू हो जाता है हमारा। हाँ जी, 9 बजे लंगर हमारा चालू हो जाता है और शाम को 11:30-11 बजे तक चलता है। किसान क्योंकि हमारे आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो आज जैसे भारत बंद का आह्वान है, आज भीड़ भी ज़्यादा आने की जो है अपेक्षा? बहुत, हाँ भीड़ ज़्यादा है जी आज। हाँ जी, जो रात आ गए हैं अब तो दिन में तो नहीं निकलेंगे जी, रात ही आ गए हैं। रात बहुत लोग आए हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं रात जी। हम ये भी सुनने में आया कि किसानों के पास राशन कम हो रहा है? ना 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 जी, राशन तो यहाँ से ट्राली भर के और गुरुद्वारों पर वापस भेज रहे हैं। कल 2 ट्राली गाड़ी भर के भेजा हमने, राशन तो इतना आ रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। ये राशन नहीं कम होएगा जी, हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी का ने 20 रुपए का चलाया था उस टाइम, जो वो ही बर्ड फूल का इतना चल रहा है। लंगर में कोई कमी नहीं आएगी, लंगर तो हमारा जब जहाँ रखने लायक जगह नहीं ना होती है तो अपने गुरुद्वारों में भेज देते हैं। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ
यहाँ इस गाजीपुर बॉर्डर पर इस लंगर का नज़ारा देखिए, कितने बड़े बड़े जो है ये पतीले यहाँ पर रखे हुए हैं, बर्तन इतने बड़े बड़े। ये वो एरिया है जहाँ पर यहाँ पर जो संगत आती है उसको बैठा कर यहीं पर जो है लंगर जो है चखाया जाता है। आप ऊपर देखिए एक बार, ये जो टेंट है कितना इसको मजबूती से जो है बांधा गया है। पहले यहाँ पर जो है ये कपड़ा जो है लगा है, उसके बाद ये लोहे से रस्सियों से इसको बांध कर फिर पंखे जो है बकायदा वेल्डिंग करके लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो है आपको मैं पूरा नज़ारा दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखिए पूरी लंगर की जो है व्यवस्था चल रही है, क्योंकि आज 26 मार्च है और 4 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को, और उसी के साथ साथ आज भारत बंद का जो है आह्वान भी है। तो ये मैंने आपको दिखाया, एक और चाय पक रही है, देखिए कितने सारे जो है गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं। ये देखिए ये कमर्शियल सिलेंडर भी है यहाँ पर रखे हुए हैं और रेजिडेंशियल भी हैं। और आपको बता दूं कि गैस के प्राइस आसमानों में है, आपको पता ही होगा, ऐसे में इन्हें तो कोई छूट हो नहीं रही है। एक राशन का खर्चा, गैस का खर्चा, मतलब इस टाइम ये जो किसान आंदोलन है 4 महीने से लगातार चल रहा है, पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबे समय तक जो है वो चला है। तो अब उधर चलते हैं और बाबा जी से जो है वो बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जथेदार बाबा मोहन सिंह जी, और ये यहाँ पर जो है कर्ता धरता हैं, तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। बाबा जी सत श्री अकाल जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये जो लंगर सेवा यहाँ लगी हुई है ये किसके द्वारा जो है लगी? ये महाराष्ट्र गुरुद्वारा लंगर साहिब डेरा संत बाबा निधान सिंह जी, महापुरुष संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलिंदर सिंह जी और दास जथेदार बाबा मोहन सिंह जी, तो अपना स्थान या बड़ापुरा अमरिया तहसील जिला पीलीभीत से और हेड ऑफिस नांदेड़ महाराष्ट्र। बाबा जी 4 महीने हो गए हैं आंदोलन को और आपकी इस लंगर सेवा को भी, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी निकल कर नहीं आया है फैसला। ऐसे में लगातार आपका जो ये एक लंगर जो यहाँ चल रहा है, यहाँ संगत के लिए काफ़ी मदद हो रही है, यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों के लिए भी, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। मिलेगा, समय लग जाता है, हक मिलेगा, ईश्वर खुद मौजूद हैं, खुद वही लंगर चला रहे हैं, परमेश्वर ही सारा कुछ कर रहे हैं और समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। आपको मालूम है इसका रिजल्ट तो काफ़ी आ रहा है, रिजल्ट तो आ ही रहा है, जो अड़े हुए हैं उनका कहाँ कितना नीचे जा चुके हैं, कितनी उनकी वो हो रही है, सारे को दुनिया को पता लगता जा रहा है, तो उनकी हकीकत का पता लग रहा है दुनिया को, तो पता तो उसका रिजल्ट तो मिल रहा है। और लंगर तो जब तक क्यों, ये 550 साल से आरंभ हुए थे, गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये से आरंभ किए थे और जब तक जुगो जुग अटल चलते रहेंगे जब तक। बाबा जी सबसे ज़्यादा जो है कहे कि लंगरों ने सुर्खियां बटोरी है इस आंदोलन में, एक रीढ़ की हड्डी बनकर जो है कहते हैं कि ये खड़े रहे हैं, मजबूती से टिके रहे हैं। ऐसे में खबरें आ रही थी कि बीच में जो लंगर सेवाएं हैं उनमें अब पहले जैसी रौनक नहीं रही, या फिर किसानों के पास राशन कम हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं, पूरा भंडार है, कोई कमी नहीं है, इनके जो ईश्वर के चलाए लंगर हैं इनमें कमी नहीं आ सकती कभी भी। ये तो जब कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई भूकंप आ जाए, वहाँ नहीं पीछे हटते, वहाँ भी रात दिन लंगर चलाते हैं, तो किसानों का ही तो जो कमाई करते हैं, 10 नाखूनों के किसान उसमें से 10वां हिस्सा निकालते हैं और वो अपने गुरुद्वारों में, भगवान के मंदिरों में, हर जगह देते हैं और उसी से ये लंगर चल रहे हैं। और जो बच्चे किसानों के बाहर पढ़ने गए हैं वो बेचारे रात दिन मेहनत करके और पढ़ाई भी कर रहे हैं और फिर अपनी कमाई करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा भेजते हैं, उससे ये रात दिन लंगर चलते हैं ताकि उनका भी, इससे जो दसवंध निकालते हैं ना, जब भगवान के लंगरों में डालते हैं, इससे भला होता है, इससे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है हर इंसान की।
बाबा जी, जैसे 4 महीने हो गए हैं और आज 26 मार्च है, आज भारत बंद का भी जो एक कॉल है किसानों की तरफ से दिया गया है, ऐसे में आज यहाँ थोड़ी भीड़ जो है बढ़ने की भी अपेक्षा की जा रही है, तो आपको क्या लगता है और कितने दिन ऐसे जो है चलते रहेंगे, आप लोग सड़कों पर बैठे रहेंगे? कोई नहीं, जब तक किसानों को और पूरे देशवासियों को उनका हक नहीं मिल जाता। ये जो किसान तो सारे देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, किसान की अपनी लड़ाई तो है ही, पर सारे देश के लिए लड़ रहा है, ये तो सबके लिए। कल को अब मक्का जो बिकी है मेरे ख्याल में 800-900 में बिकी है, और उसका आटा मॉल में जाके 160 रुपये में मिल रहा है लेवल लग के उनका। और गेहूँ वागे ये बनेगा, गेहूँ भी इतना सस्ता है यहाँ किसान से खरीद कर उनका वो लग कर 100 रुपये में बिक रहा है। ऐसे हर चीज़ तो वो है कि इस प्रकार मार तो हर एक गरीब पे भी पड़ेगी ज़्यादा। किसान तो अपनी कमाई गेहूं रख लेगा अपने लिए खाने के लिए, दालें भी पैदा कर लेगा, और नहीं सब्जी नहीं मिलेगी तो छाछ में लस्सी में नमक डाल के भी रोटी खा लेगा। ज़्यादा नुकसान तो गरीबों का है, दुकानदारों का, इनका है, सारी दुनिया का नुकसान है इसमें। तो वो इतना महंगा कहाँ से खाएँगे, इसमें आप लोग सारे तो हो, कहाँ से इतना महंगा लेके खाएंगे हर आइटम। अब सेब देख लो, वहाँ से 6 रुपये में लिया जा रहा है और उनके वो 5-10 पैसे का वो चिपका के और 150 रुपये में बिक रहा है 160 रुपये में बाज़ार में। कहाँ से खा लेगा गरीब आदमी फल? ये है, सारे देश के लिए लड़ रहा है किसान, अपनी तो लड़ाई लड़ ही रहा है पर सारे देश के लिए लड़ रहा है वो। और यहाँ कोई कमी नहीं आएगी, ना किसानों की ना ही लंगरों की, चाहे कितना भी समय लग जाए। ठीक है, अब थोड़ा जा काम का टाइम है तो इसलिए किसान थोड़ा आ जा रहे हैं खूब, और कोई कमी नहीं है यहाँ। अच्छा बाबा जी, हमने जब शुरू के 2 महीने थे तो देखा था लंगरों में किस तरह हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, 24 घंटे जो है ये लंगर चलते थे। अभी शहीद दिवस पर भी हमने देखा आपने बहुत ही स्वादिष्ट जलजीरे का जो है एक लंगर चलाया था यहाँ संगत के लिए। आज भारत बंद है, आज क्या आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं? आज भी मिक्स सब्जी बन रही है और लंगर मशीनें चल रही हैं, लंगर तैयार हो रहा है, और शरबत का भी अभी थोड़ी देर और धूप हो जाए तो शरबत भी चलाएँगे। चाय चल रही है वहीं जहाँ रोड जाम किया, चाय रस वगैरह चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास है आज। क्योंकि आज फिर सारा भारत बंद है ना, जगह जगह किसान सब जगह सब बटे हुए हैं, सब लगे हुए हैं अपने अपनी ड्यूटियों पे, इसलिए थोड़ी भीड़ से क्या, भीड़ से जो अब ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा 2 घंटे का काम है, यहाँ तो भीड़ ही भीड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं है ऐसी। के लिए शुक्रिया। तो हमने आपको दिखाया यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर ये लंगर का जो है एक पंडाल, और देख सकते हैं आपके अब यहाँ पर जो है ये सभी सेवादार हैं, ये सभी किसानों के बच्चे हैं जो यहाँ आए हैं और यहाँ पर ये सेवा देने के लिए रोज़ाना आते हैं। तो इसी तरह से 4 महीने से जो ज़िंदगी है किसानों की वो चलती आ रही है, और आगे पता नहीं कब तक जो है इसी तरह से सड़कें बंद रहेंगी, सड़कों पर किसान जो है वो बैठे रहेंगे। हालांकि अब गर्मी जो है दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई फैसला निकले ताकि किसान भी खुश हो जाएं और सरकार भी जो है वो भी इनकी बात सुने या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आयुषी के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।